नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड प्रथम वर्ष को लेकर। और बीएड प्रथम वर्ष के अंतर्गत हमारा जो एक कंपलसरी पेपर है, अनिवार्य पेपर है, जिसमें इसका नाम है पाठ्यक्रम की परे भाषा, जो कि हमारे बीएड प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम का चतुर्थ प्रश्न पत्र है। और इस चतुर्थ प्रश्न पत्र के माध्यम से हमने प्रथम इकाई का अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं। और प्रथम इकाई के अध्ययन के दौरान हम लोग आज हम अपने एक प्रकरण है भाषा का मानकीकरण। साथियों, इस बारे में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में भी हमने चर्चा की है, जिसमें हमने ये सीखने का प्रयास भी किया है कि भाषा का मानकीकरण क्या होता है। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको परिचित करवाना चाहूंगा कि मानक शब्द क्या है। भाषा का मानकीकरण तो है कि भाषा का मानकीकरण हमारे सामने है, लेकिन मानक शब्द क्या है? तो मानक शब्द के लिए हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि मानक शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा के स्टैंडर्डाइजेशन, अंग्रेजी भाषा के स्टैंडर्ड डाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन सबसे बना है, जिसका अर्थ है कोई मानक, कोई स्टैंडर्डनेस को मेंटेन करना, एक स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना। तो इस शब्द का समानार्थिक शब्द वहां से लिया गया है। लेकिन साथियों, वैसे इसका हम शाब्दिक अर्थ में इसका अर्थ समझने का प्रयास करें तो इस बात से हमारे सामने अर्थ आता है कि आप जो मतलब मानक का मतलब होता है पैमाना, एक मानक का होता है पैमाना, साथियों पैमाने से हमारे यहां तात्पर्य है चाहे वो किसी भी इकाई को नापने के लिए, चाहे वो तरल है, द्रव है या ठोस पदार्थ है, तो उसका जो एक उसका जो वजन नापने के लिए, उसका द्रव्यमान नापने के लिए, या उसको इसका एक मापन करने के लिए कि सही सही मात्रा में कितना है और कितनी मात्रा में है इसकी संख्या, इसकी मात्रा हम कैसे तय करेंगे, तो उसके एक मात्रा तय करने के लिए हमने एक पैमाना बनाया। जैसे कि मान लीजिए हम लोगों ने कोई लीटर में कोई इकाई है, चाहे वो तरल पदार्थ इकाई है, तेल है, दूध है, पेट्रोल है, डीजल है, या फिर इनको, तो इनको हमने लीटर के रूप में इनका मापन तय किया है। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई वस्तु ठोस है तो उसे हमने किलोग्राम में उसका मापन हमने एक तय किया है। किलोग्राम में जैसे हम के बाजार से सामान लाते हैं, फल हैं, सब्जियां हैं, या फिर कुछ भी ऐसी जो हमारे दैनिक आवश्यकताओं की जो वस्तुएं हैं उनको हम एक तोल के रूप में लाते हैं, तो किलोग्राम में हमने लाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि हम कोई कपड़ा खरीदने जा रहे हैं या किसी लंबाई को नाप रहे हैं तो हम उसे मैट्रिक इकाई में नापते हैं, जैसे कि सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, किलोमीटर, है ना, फरलोंग है, गज है, या लंबाई चौड़ाई नापने के लिए भी हमने पैमाने बना रखे हैं। तो अलग अलग जैसे समुद्र की गहराई नापनी है तो हम फैदम में नापेंगे, तो अलग हमने हर मतलब हर वस्तु का, हर वस्तु का या हर लंबाई चौड़ाई या जो वस्तु का हमने एक निश्चित पैमाना या निश्चित मापक तैयार हमने किया है। यदि हम कोई मानचित्र भी बना रहे हैं तो उसके लिए हम निश्चित एक पैमाना लेकर एक मापक लेकर उस मानचित्र को हम लोग तैयार करेंगे, क्योंकि बिना पैमाने पे तैयार किया गया मानचित्र कभी भी सही नहीं हो सकता और न ही वो कभी भी एक सही चीजें प्रदर्शित करने में काम आने वाला है। तो साथियों, हमने देखा होगा अक्सर कि जब भी हम कोई मानचित्र देखते हैं तो उसके नीचे से पैमाना लिखा हुआ होता है, चाहे वो 1:100 है, 1:1000 है, 1:500 है, या फिर 1:5000 भी हो सकता है। तो हमने देखा होगा कि इतने बड़े भूभाग को या इतने बड़े क्षेत्र में बसने वाले उन सभी सारी बातों को एक छोटे से कागज पे उकेरना और उन पर उन सभी को बनाना एक निश्चित पैमाने के बिना संभव है नहीं। तो साथियों, मेरे कहने का जो तात्पर्य है
वो ये है कि हर वस्तु का जब पैमाना हो सकता है तो भाषा का पैमाना क्यों नहीं हो सकता, भाषा का भी पैमाना हो सकता है। तो साथियों हम बात कर रहे हैं भाषा के पैमाने पर, भाषा का मानकीकरण क्या होगा। अभी हम ये कर रहे हैं भाषा का जो मानक है, भाषा का मानक, कि भाषा का जो मानक होगा वो क्या होगा, कि भाषा का जो हम कैसे तय करेंगे कि भाषा शुद्ध है, परिष्कृत है, अथवा बिल्कुल ये साहित्य में साहित्य के रूप में लिखने लायक है, और इसकी शब्दों का इसको यदि इन शब्दों को हम लागू करते हैं तो संपूर्ण भारतवर्ष में एक जो हिंदी का जो मानक है एक समान रूप से जाएगा। तो साथियों मैं कहना चाहूँगा कि जो भाषा का जो मानक है वो है व्याकरण है, क्योंकि भाषा की कसौटी ऐसा साहित्य में कहते हैं कि जो गद्य की कसौटी है वो निबंध है, गद्य की कसौटी निबंध है, लेकिन निबंध की कसौटी यदि करें तो व्याकरण है। तो हम यह मान सकते हैं कि व्याकरण ऐसा शास्त्र है, व्याकरण शास्त्र है जो भाषा का मानक है, और इसके द्वारा ही हम इसके नियमों इसके सिद्धांतों के द्वारा ही हम तय कर सकते हैं कि भाषा का कितना शुद्ध रूप काम में लिया गया है। अब साथियों एक बात और आगे हमारे सामने आती है कि भाषा का व्याकरण हम कौन कौन से लेवे, क्योंकि हमारी जो हिंदी भाषा है वो संस्कृत भाषा से निकली हुई है, हमारी हिंदी की जो जननी भाषा है वो संस्कृत भाषा है। तो साथियों हिंदी के और संस्कृत की भाषा की जो व्याकरण में है वैसे बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, लेकिन कह सकते हैं कि कुछ कुछ बातों में हिंदी का व्याकरण संस्कृत से मतलब आंशिक रूप से भिन्न है। वो इसलिए भिन्न है कि हिंदी में संस्कृत का जो प्राचीन जो पिंगल शास्त्र के समय से या जो भरत मुनि उन्होंने दिया तो वहां से वो चलता आ रहा है, लेकिन पाणिनि के द्वारा दिया गया व्याकरण शास्त्र से भी उसमें बहुत सारी चीजें दी गई है, लेकिन हमारे जो हिंदी के जो भाषाविदों ने जो व्याकरण तय किया है तो हमारा जो हिंदी का जो मानक व्याकरण हम जो मानते हैं आए हैं वो आए हैं हम लोग भारतेंदु काल की जो खड़ी बोली है, हम खड़ी बोली को हिंदी का मानक मानते हैं, खड़ी बोली को, खड़ी बोली को मानक माना जाता है, मानक तय किया गया है। खड़ी बोली हिंदी को हमने खड़ी बोली हिंदी को हमने मानक तय किया गया है, क्योंकि खड़ी बोली का जो विकास है वो आप मान लीजिए 18वीं शताब्दी के आसपास होना स्टार्ट हो गया था। तो खड़ी बोली का जो विकास 8वीं शताब्दी जो 18वीं शताब्दी के आसपास हुआ था तो उसमें खड़ी बोली में गद्य लिखा जाने लगा, और गद्य की बाद में पीछे मावी प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, इन लोगों ने इसमें परिष्कृत किया बोली को, और खड़ी बोली में गद्य के साथ साथ पद्य की बोली भी बनी, लेकिन उसमें जो लिखा हुआ साहित्य वो संपूर्ण साहित्य हमारे भारत में उस वक्त वो उसका प्रचार प्रसार भी हुआ, वो फैला भी। तो उससे ये बात तो बिल्कुल तय हो गई कि हमारे भाषा का जो रूप है उस वक्त के जो हिंदी पढ़ने वाले समस्त जो हिंदी प्रेमी थे आचार्य थे उनके पास वो खड़ी बोली का रूप एक जन सामान्य तक पहुंचा था, और उसकी जो समझ और सहजता थी वो सभी तक पहुंच पाई थी। तो जब भाषा का वो रूप जो सभी वर्गों के लिए समान रूप से लागू किया जाए और समान रूप से वहां पर पहुंचता है तो वो भाषा का एक मानक रूप जिसको सभी मानने लगे वो मानक रूप कहलाएगा। तो साथियों हमने भाषा के मानक रूप के बारे में तय किया, और भाषा का जो मानक रूप है वो आज हमारे साहित्य में या हमारे हिंदी बोली को लेकर हम बात करें तो भाषा का जो मानक रूप है वो खड़ी बोली हिंदी है, और वैसे भाषा का जो वो रूप जो सभी के लिए एक स्वीकार करने योग्य हो, समझने योग्य हो और ग्रहण करने योग्य हो तो वो भाषा का वो रूप मानक रूप कहलाएगा। जो भारत के जो हमारे भारत के जो 28-29 जो जितने भी राज्य हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए भी वो नियम तय किया जाए, और जो अहिंदी भाषी राज्य हैं उनके लिए भी वो नियम तय किए जाए, तो वो सभी नियम एक हिंदी भाषा निदेशालय या वर्ती सुधार आयोग
के माध्यम से वो नियम तय किए जाए। तो वो नियम तय किए जाने पर हमारा हिंदी को एक मानक भाषा के रूप में लाकर खड़ा करेंगे, और उसके द्वारा जो नियम सिद्धांत आबद्ध जो किए जाएंगे वो सारे खड़ी बोली हिंदी का रूप प्रचलित होगा। तो साथियों आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।